वेलकम टू माई चैनल पकवान विद ज़ायका। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन फ्राई की रेसिपी। मटन फ्राई के लिए ली मैं 750 ग्राम्स बोनलेस मटन। मटन के पीसेस इस तरह से छोटे से करवा लीजिए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको गला लूँगी। मटन को गलाने में मैं पानी नहीं डालूँगी, इसमें अदरक लहसुन नमक और गोश्त का पानी जो छुटता वही काफ़ी है। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे कुकर में 2 सीटी देके निकालूँगी। मटन को बॉईल करके रख ली, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। इसके लिए ले रही मैं 1/2 कप ऑयल, ग्रीन चिलीज 5 to 6 ग्रीन चिलीज, करी लीव्स। इसको 2 मिनट्स के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बॉईल किया हुआ मटन। टू टीस्पून फुल रेड चिल्ली पाउडर, इसको अच्छी तरह से 10 मिनट्स फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करी गार्लिक पेस्ट, फ्रेश गार्लिक पेस्ट एंड 1 टीस्पून जीरा पाउडर। फ्रेश गार्लिक पेस्ट और जीरा पाउडर से एक अच्छा सा फ्लेवर आता। अब मटन को इसी तरह से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई करूँगी मैं। इसको मिक्स करते हुए फ्राई करना है, वरना नहीं तो मिर्ची और मसाला नीचे स्टिक हो जाता। मटन को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैं फ्राई कर ली। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिए, लाइक करिए, मेरे इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।